क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा फाइंड ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, क्या करना बताइए। जैसे पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर लगेगा ना, तो जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, a into a, है ना। ए स्क्वायर क्या मतलब है, ए दो बार मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए हो गया। अब इसमें आपकी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया, एक बार रन दीजिए, एक बार उठाए cos 2 थीटा और sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, है ना। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, है ना। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने में क्या करें बोले, मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले कंडीशन निकालेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स। जिसका ऑर्डर देखिए, जिसका ऑर्डर 2 into 2 है, जिसका भी ऑर्डर 2 into 2 है ना। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मैट्रिक्स इज 2, नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स इज 2, ये दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल। मल्टीप्लीकेशन क्या होते हैं, पॉसिबल है ना। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस है। जैसे कॉस 2 थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस 2 थीटा से, है ना। साइन 2 थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन 2 माइनस साइन 2 थीटा से, है ना। और दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे देखिए कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, है ना, और फिर माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा, है ना। आप जो है फर्स्ट ईयर को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना। ये तो आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए। अब सेकंड रो के एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो चलिए सेकंड रो के एलिमेंट है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, फिर प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा cos r 2 theta into minus sin 2 theta into minus sin 2 theta. अब minus sin 2 theta minus sin 2 theta into sin r 2 theta फिर plus cos r 2 theta cos r 2 theta into cos r 2 theta, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और ये cos, ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये क्या हो गया, ये 2 sin 2 थीटा into cos 2 थीटा, है ना। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, और फिर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा और इन माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 इनटू 2 थीटा, है ना। ये क्या है, ये माइनस साइन 2 इनटू 2 थीटा, साइन 2 इनटू 2 थीटा, ठीक। अब इस तरह से हम रहे
ए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वैल्यू आपके हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगा, चले ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये कॉस 4 थीटा हो गया, कॉस ऑफ 4 थीटा ठीक है, साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा ये लेगा साइन ऑफ 4 थीटा और कॉस ऑफ 4 थीटा ये आपको ये स्क्वायर की